ये 20,500 आपके मित्र आदित्य अरोड़ा बोल रहे हैं इज ऑन कार्ड्स, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज आप हमारे लिए? जी मैं भी बहुत हद तक सहमत हूँ। मैंने भी डेली चार्ट्स में, जैसे पहले भी मैंने भी रिकमेंड किया था कि 19,800-19,900 के ऊपर एक जैसी क्लोजिंग देगा हमें निफ्टी में, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अपने इसमें अप मूव देखने मिलेगा। और जैसे कल ही के सेशन में हमने देखा निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली 20,100 के लेवल के आसपास की क्लोजिंग दी है, तो मुझे भी लगता है बहुत हद तक कि ऊपर में जो लेवल्स है 20,500 तक के बहुत जल्दी आ सकते हैं। पर आज के लिए मेरे दो बाइंग कॉल्स ही होंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा केमिकल स्पेस से अनुपम रसायन। अगर अनुपम रसायन की बात करें तो इस स्पेस में हमें लगता है बॉटम आउट हुआ है और एक बहुत अच्छा स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, स्पेशली स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक में काफी टाइम से एक अच्छा वॉल्यूम हम देखने को मिल रहे हैं। प्लस स्टॉक ने अपने आपको सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने अपने आपको प्लेस करके रखा, स्पेशली 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया है। तो अनुपम रसायन को यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 1030। सेकंड जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो 940 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट काफी टाइम से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था, जो कि इसकी डेली और वीकली चार्ट दोनों में था, और दोनों ही चार्ट पे इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है। प्लस इसने हम इसमें देखेंगे तो एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर भी है और इस स्टॉक में इंट्राडे चार्ट में एक ब्लैक पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो अंबुजा सीमेंट को यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 424, सॉरी फॉर अ टारगेट ऑफ 460, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 424 का रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। आयुष ने दो शेयर चुने और दोनों ही ए लीटर वाले, अनुपम रसायन और अंबुजा सीमेंट, बढ़िया है, दोनों की दोनों बाय कॉल। आदित्य, आपके लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, मैं एक फाइनेंशियल से स्टॉक चुना है और दूसरा सीमेंट स्पेस से चुना है। सीमेंट से स्पेस में बहुत टाइम बाद बाजार आ रहा है और जो लॉन्ग एक्सपोजर दिख रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन दिख रहा है, काफी एनकरेजिंग है। तो रैमको सीमेंट को बाय करेंगे 993 में। 950 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1060 का रहेगा टारगेट। दूसरा स्टॉक फाइनेंशियल बैंकिंग इंडेक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला है बहुत टाइम बाद, तो फाइनेंशियल्स कुड लीड फ्रॉम हियर। मुथूत फाइनेंस उसमें एक अच्छा कैंडिडेट है, तो उसको बाय किया जा सकता है 1416 में। 1340 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1550। 1500 के टारगेट मुथूट के लिए, कल हमने अच्छी तेजी देखी हुई है, जिस तरह से ये एमसीएक्स पर सोने के भाव हैं रिकॉर्ड स्तर पर हैं। और दूसरा रैमको सीमेंट, ये भी फोकस में रहेगा और यहाँ पर रोल ओवर के आंकड़े भी अच्छे हैं। तो ये दो बाय कॉल हम देख रहे हैं कि आदित्य की तरफ से। किरण, क्या आप भी खरीदारी करके चलेंगे ऐसा मान के चलें, और बताइए शेयर कौन से होंगे आपके? ओवरऑल जिस तरह का डेटा हम देख रहे हैं, डेफिनेटली हम भी बाइक की तरफ ही चलेंगे। कल हमने देखा था कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी आई थी, तो एक सेक्टर, एक जो हमारा पिक रहेगा वो ऑटो में से रहेगा, दूसरा है डिफेंस के अंदर से। डिफेंस के अंदर बीईएमएल हमारा पिक रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, काफी अरसे से हम देख रहे हैं। 2400 का एक रेजिस्टेंस था, कल 2400 के ऊपर क्लोजिंग आई हुई है, तो 2490 का हमारा टारगेट रहेगा। 2434 ऐसा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे बीईएमएल के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो ऑटो सेक्टर में, जैसे मैंने ओपनिंग में बताया कि कल हमने देखा था कि ऑटो के अंदर हीरो मोटर कॉर्प देख लीजिए, आप टाटा मोटर देख लीजिए, जहाँ पे अच्छी खासी तेजी मिली थी। तो एक स्टॉक है मारुति, जो रेडी हो चुका है डेली चार्ट के ऊपर, कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है मल्टीपल डोजी कैंडल के ऊपर। कल की हमने क्लोजिंग देखी है, कहीं ना कहीं 10,500 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी सस्टेन हुआ है, तो 10,580 के आसपास मारुति का क्लोजिंग था। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 10,750 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 10,440 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो मारुति और बीएमएल आज के हमारे बाइक कॉल करेंगे। ठीक है, आज के जितने भी बाय कॉल्स आपने देखे हैं ना, सारे के सारे की सबके पीछे रीजनिंग अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ, देखो सीमेंट कंपनीज क्यों आपके सबके लिस्ट में आया है ना, इसकी एक वजह है, टिपिकली एक्सपायरी पे रोल ओवर के नंबर्स और शॉर्ट स्क्वीजिंग से पता लग जाता है कि किस में ज़्यादा दम है, तो सीमेंट में दम है। इसलिए तीन मेहमानों में से दो ने सीमेंट चुन लिया, रैमको और एक अंबुजा सीमेंट चुना है। अब आते हैं फाइनेंशियल काउंटर्स पे, गोल्ड के प्राइस ऊपर तो मुथूट ऊपर आ गया, वैसे भी फाइनेंशियल्स का रोल ओवर ये सेकंड सीरीज है जब बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए आपके यहाँ पे लिस्ट में आ गया। थोड़े केमिकल्स वाले शेयर्स चल रहे हैं तो रैमको सीमेंट चुन लिया गया। बीएमएल सरकारी कंपनीज और जो डिफेंस वाले काउंटर्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इनमें भी, इसलिए बीएमएल चुन लिया। तो स्पेसिफिक रीजन्स हैं सबके, ये सभी के सभी स्टॉप लॉस टारगेट आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे।